सो हाय गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज योर टाउनी राइडर पलक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही निकल पड़े कहीं घूमने। अभी दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी सी स्पेशल जगह है। अभी दिखाती हूँ, हमारे साथ है काव्या। काव्या हाय कर दो। और ये आदित्य और इसके पापा एंड सब लोग बाकी के वो इस गाड़ी में आ रहे हैं। अनुराग देख सकते हो आप कैसे निकला है। तो यू गाइस फॉलो मी ओके। हम रास्ते में रुके क्योंकि यहाँ है प्लम का पेड़ और हमें खाने हैं कच्चे प्लम्स। ये देख रहे हो आप, बहुत टेस्टी होते हैं, खट्टे होते हैं। अब तो इतने खट्टे नहीं रहे, अब तो थोड़े मीठे भी हो गए होंगे। तो मैं आपको दिखा दी हूँ, प्लम लो, इसे साफ करो और चुके हैं मझाज की हसीन वादियों में। अब जा रहे हैं हम ऊपर इस नदी के पास, थोड़ा और ऊपर जाएंगे और वहाँ जाएंगे नहाने। अब देखते हैं, नहाने का मूड बना तो हम भी नहाएंगे क्योंकि धूप नहीं है और पानी तो बहुत ठंडा है। चिलिंग यू नो, ग्लेशियर से आता तो बहुत ठंडा पानी होता है। तो हम जा रहे हैं फिर से वंस मोर काव्या प्लीज। वो वेरी नाइस। कहाँ है ये मझाज की वो जगह जहाँ पे एक होती है ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये है यहाँ की लोकल डेस्टिनेशन। मतलब जब गर्मी बहुत हो जाती है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जैसे कि ये नंगे नंगे लोग, ये आके यहाँ नहाते हैं। तो अभी हम जाके इसमें डुबकी लगाएंगे। ये इतनी भूख लगी थी कि मैं आपको खाने पीने से पहले भी नहीं दिखा पाई। इतनी एक्साइटमेंट में सब खा गई और मैं ना डूबने वाली थी। आज इन्होंने मुझे दो बार मरते मरते बचाया। और ये क्या बता रहा था मुझे, पलक थोड़ी सी मर गई, थोड़ी सी मर गई थी पलक, उसको हमने जिंदा कर दिया दोबारा। नहीं, मुझे खुद सोच के हंसी आ रही है। एक बार तो मैं खुद कूदी तब मैं डूब गई, दूसरी बार मैं चल रही थी और मेरा पांव फिसल गया और मैं पूरी पानी में पहुंची भी नहीं पहले कर रही, बचाओ बचाओ। और तब से वो इस बात के ऊपर हंस रहे हैं। तो अब हमने कर दिया है खाने वगैरह का। और ये देखो मैं हमारी आवाज नहीं आ रही, इसको जाएंगे खाएंगे पकाएंगे। और अब हम लोग डायरेक्ट कॉटेज जाएंगे या कहीं और जाना है, ये तो वीडियो बहुत डायरेक्ट कॉटेज जाएंगे या कहीं और जाना है अभी देखते हैं, चलते चलते प्लान बनाएंगे। अगर हो सकता है कहीं कैफे में जाएंगे कुछ टेस्ट करते हैं और उसके बाद भी कॉटेज चलेंगे। आज महाराष्ट्र की डिश खाते हैं, ये चाहते हैं मनाली में आके इनको हम महाराष्ट्र की डिश खिलाएं। सो ऐसा तो शायद ही हो पाएगा। यूं ही घूमते घूमते हम पहुंच गए हैं सोलंग वैली। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे कैमरे में इस टाइम सिर्फ और सिर्फ है, कहाँ दिख रहा है हमें, 10% बैटरी। और एक कभी भी जा सकता है, तो जब तक बना पाऊँगी तब तक आप लोगों को वीडियोस बना बना के दिखाऊंगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अभी तक इतनी मस्ती की, नहाए पानी में, डुबकियाँ लगाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं एक और जन्म लेके वापस आई हूँ। जब मैं पानी में डूब गई थी पूरा नाक मुँह में हर जगह पानी घुस गया और मुझे लगा ये मुझे बचा क्यों नहीं रहे आगे। और जब मैं बाहर निकली तभी मुझे बता रहे हैं कि बस 5 सेकेंड ही थी तू पानी के अंदर। 5 सेकंड में आपको कितने मिनट का एहसास हुआ? ऐसा लगा पता नहीं कब से पानी में, अब मैं मरने वाली हूँ, मेरे को बचा क्यों नहीं रहा कोई आके। पहली बार जंप लगाने का दर्द था वो, है ना? हाँ, बोल सकते हैं। बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था और पानी भी बहुत ठंडा था।
standing tall. Fear outweighed the person you are. तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई. हमें तो बहुत मजा आया आज. बहुत एडवेंचरस दिन था. अभी भी ठंडा लग रहा है. वो स्विमिंग की पहली बार गई थी मैं अभी उस जगह. बहुत मज़ा आया. आई होप आपको पसंद आया. अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन. शेयर कर दो. सब्सक्राइब कर दो. बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना.